अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube टेक्निक और रहमान ऑनलाइन चैनल में। मैं सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मफीद और फायदेमंद होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको 3.7 वोल्ट और 5 एम्पीयर पावर बैंक बनाकर दिखाने वाले हैं। UPS मॉड्यूल और 5000 mAh बैटरी के साथ इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करके दिखाएंगे। इसको तैयार करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप इसको अपने घर पर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं और इसको फिर बाद में मोबाइल वाले चार्जर के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको चार्ज कर सकते हैं और इस बैटरी को अच्छे तरीके से चार्ज कर सकते हैं और इसको आप उन लोगों को बहुत चार्ज लाने की नहीं जरूरत होगी। अब इसी मॉड्यूल के जरिए और इसकी आउटपुट भी ले सकते हैं और इनपुट भी ले सकते हैं। उससे गुजारिश है कि दोस्त मेरी वीडियो को पूरा देखेगा, मेरे चैनल टेक्निकल रहमान ऑनलाइन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्रेस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। जरूरत होगी चार्जर मॉड्यूल की, इसको UPS मॉड्यूल भी कहते हैं। आप इसके साथ अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और इसको इसके साथ फैन को भी लगा सकते हैं, फैन को भी चला सकते हैं। हमने इसके एक वायर के ऊपर इसके दो पॉइंट होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंटों पर इसके कनेक्शन वायर के कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम मोटर और बैटरी के कनेक्शन आपको करके दिखाते हैं कि हमारी मोटर और बैटरी चार्ज हो रही है, हमारी बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं, और इसके साथ हमारी मोटर भी बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क करेगी। सबसे पहले हम इस मोटर को इसके साथ चलाकर आपको दिखाते हैं कि क्या वाकई आउटपुट लेने के साथ हमारी बैटरी और मोटर अच्छे तरीके से चार्ज हो रही है या नहीं, हमारी मोटर चल रही है। सबसे पहले हम इसकी मोटर को आपको चलाकर दिखाते हैं क्या वाकई हमारी मोटर इसके साथ चल रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसके मोटर के एक पैन के ऊपर एक पॉजिटिव वायर को लगा रहे हैं और आप दूसरे पैन के ऊपर मोटर के दूसरे पैन के ऊपर दूसरे वायर को यानी कि नेगेटिव वायर के ऊपर नेगेटिव पैन को लगाएंगे। हम सबसे पहले इसके पॉजिटिव वायर के ऊपर पॉजिटिव वायर को अच्छे तरीके से लगा देंगे। हमने इस मोटर को बहुत अच्छे तरीके से इसके साथ लगाना है ताकि आपकी तार स्पार्क ना करे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसके एक पैन के ऊपर एक पैन को लगाकर इसको आपको दिखाते हैं। आप देखते हैं इसको अच्छे तरीके से इसके साथ लगा दिया है। अब हम दूसरे पैन के ऊपर दूसरी वायर को लगाकर आपको दिखाते हैं। हमने मोटर और बैटरी को मुकम्मल आपस में अच्छे तरीके से कनेक्ट कर लिया है। अब हम दूसरे पैन के साथ बैटरी को और मोटर को दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले इसके मोटर के ऊपर एक दूसरे पैन को लगा लिया। अब हम इसके मोटर को और बैटरी को दूसरे पैन के साथ कनेक्ट कर देंगे। आप देखते हैं हमने इसको मुकम्मल अच्छे तरीके से कनेक्ट कर दिया। हमने काफी वायर लगाकर इसको अच्छे तरीके से कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। आप देखते हैं हमने मुकम्मल इसके मोटर के कनेक्शन मुकम्मल कर लिए हैं और बैटरी के भी कनेक्शन मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम चार्जर को इसके चार्जर को 220 वाले बोर्ड में आपको लगाकर दिखाते हैं कि हमारी बैटरी और हमारा फैन चलता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं हमने इसके कनेक्शन मुकम्मल कर दिए हैं और हमने इस बैटरी के नेगेटिव वायर के ऊपर नेगेटिव वायर को आपको लगाकर दिखाते हैं। आप देखते हैं हमारी बैटरी बिल्कुल अच्छे तरीके से चार्ज हो रही है और ये मॉड्यूल आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली दुकान से 100-150 रुपए में आसानी के साथ मिल जाएगा और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और आप देखते हैं हमारी बैटरी बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ चार्ज हो रही है। आप दोस्तों को गुजारिश है कि आप दोस्त मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरे चैनल टेक्निकल रहमान ऑनलाइन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और प्रेस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह।